नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर की नई दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, आप एकदम जीरो से जो मैं सिखा रहा था वहाँ पर। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो से सीखा डे वन डे टू डे थ्री में कि मैंने कैसे आपको बताया कि आप क्या ओपन करें, डेस्कटॉप पर क्या होता है, आइकन वगैरह, डेट इंटरनेट सब के बारे में बताया। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कंप्यूटर ऑन कर लिए, सब चीज़ का भी जानकारी भी कर लिए, किसको क्या बोला जाता है, इसको स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, हम किसी चीज़ को सर्च कैसे करते हैं, यहाँ से करते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि अभी ऑन तो कर लिए, अब चलाए कैसे। तो चलिए सबसे पहले जो हम शुरुआती स्टार्ट हुआ पॉइंट होती है, आप किसी कोई भी बच्चा अगर आप सीख भी रहे हैं तो सबसे किसी को सिखाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसे पेन ठीक क्यों दिया जाता है सीखने के लिए, और पेन ठीक क्यों चलाने को बोला जाता है। आपको मैं ये बारे पूरे आपको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई पेंट हमें क्यों दिया जा रहा है, हम पेंट करना थोड़ी ना सीखना चाह रहे हैं, हम तो कंप्यूटर चलाना सीखना चाह रहे हैं, लेकिन पेंट आपको दिया क्यों जाता है ये सीखिए आप। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए हम देखते हैं, देखिए पेंट क्यों खोला जाता है। पहले मैं पेंट खोल के बता देता हूँ आपको क्यों खोला जाता है। आइए हम यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे सर्च करते हैं पेंट, या यहाँ पर आपको भी दिख भी रहा है, कहीं से भी हम ओपन कर सकते हैं। ये मैंने पेंट स्टार्ट किया, पेंट तो मैंने स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे पेंट में होता क्या है कि यहाँ पे स्केच पेन टाइपिंग वगैरह सभी चीज़ होता है। तो आप जब नया में कंप्यूटर सीख रहे होते हैं तो आप यहाँ से माउस, मान लीजिए कोई यहाँ पे माउस आप क्लिक करते हैं और आपको यहाँ से थोड़ा सा घुसकाने को बोला जाता है, थोड़ा सा किसी ये देखिए लाइन को आपको खींचने को बोला जाएगा, तो आपसे ऐसे नहीं खींचाएगा जितना सीधा मैं खींच ले रहा हूँ, आप ऐसे खींच दीजिएगा या कहीं और चले जाइएगा। तो इसीलिए आपके माउस पे पूरा आपका कंट्रोल हो सके। जैसे आप नया में यूँ देखिए, बहुत लोग अब आजकल साइकिल और बाइक तो सभी लोग चलाते हैं, तो सीखना तो इससे आप समझ पाएंगे आसानी से कि कैसे आप नया में जब चला रहे होते हैं तो आपसे बैलेंस नहीं होता है। साइकिल की बात करें तो बैलेंस नहीं होता कभी इधर कभी उधर, लेकिन जब आप चलाने लगते हैं तो आपका बैलेंस आपको पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहता। तो अभी आप जब नया सीख रहे हैं तो आपको एहसास हो रहा होगा कि जब हम माउस को इस कॉर्नर से थोड़ा सा यहाँ लाना चाह रहे हैं लेकिन मेरा माउस यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला रहा है। क्यों? क्योंकि आपको माउस पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि माउस को कितना साइड मूव करेंगे, कितना हम माउस के पॉइंट को मूव करेंगे कि मेरा कर्सर यहाँ से यहाँ तक ही जाए और सीधा ही जाए। आप जब यहाँ से हल्का सा भी मान लीजिए इस किसी कॉर्नर से कहीं जाना चाहते हैं तो क्यों आप डायरेक्ट इस कोने से उस कोने पे चल जा रहे हैं? क्योंकि आपका उस पर कंट्रोलिंग नहीं है, आपको उतना अंदाज नहीं है या एहसास नहीं है कि आप कितना मूव करें कि मेरा इतना ही क्लिक हो, थोड़ा इतना सा ही क्लिक हो, एक ही पॉइंट हो। देखिए छोटा से लेकर और बड़ा तक, ये इतना बड़ा क्लिक किया, इतना बड़ा बनाया। तो ये सब क्यों, इसी सब के लिए आपको बताया जाता है कि आप पहले पेंट ही सीखें ताकि आपके माउस के पे आपका पूरी तरह कंट्रोलिंग हो जाए। इसीलिए आपको बताया था कि पेंट सीखिए, पेंट में ड्राइंग कीजिए। ड्राइंग करने से भी क्या होता है, अब ये जो छोटा छोटा आपको पार्ट दिख रहा है, ये बहुत सारा ये पार्ट हो गया, तो इसमें आप पेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये कलर पेंट किया, इसमें कोई और कलर पेंट कर दिया, इसमें कोई और कलर पेंट कर दिया। लेकिन पेंट करने के लिए भी उस प्रॉपर जगह पर जाना बहुत ही ज़रूरी होता है जिसमें आपको माउस पर पूरी कंट्रोलिंग होना चाहिए। तो यही कंट्रोलिंग के लिए आपको बताया जाता है कि आप जब भी कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे पहले आपको पेंट ही सिखाया जाता है। तो दोस्तों आप एक्टिव होकर अगर आप रियल में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर चलाना जाने, तो आप पहले पेंट ही सीखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में, और आप बताइए, मैं पेंट के बारे में भी पूरी थोड़ी डिटेल्स में बता दे रहा हूँ, या ये वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आप ऐसा ना हो कि बोर हो जाए। तो मैं अगले वीडियो में आपको पेंट के बारे में पूरी डिटेल्स में बता दूंगा कि पेंट चलाएं कैसे, पेंट में क्या कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉपी पेस्ट कट पेट पेंट में ड्राइंग वगैरह सभी चीज़ आप कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पेंट पे पूरी फोकस कीजिए और सीखिए।